विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन द्वारा मुस्तैदी के साथ कार्य को किया जा रहा है। मुरादाबाद की सदर तहसील क्षेत्र के सभी मतदान स्थलों का निरीक्षण करने की बात तहसील प्रशासन द्वारा कही गई है, तो वहीं सभी मतदान स्थल क्षेत्रों पर तैनात हल्का लेखपालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर स्थिति पर नजर रखें। अगर कोई संवेदनशील मामला आता है तो उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को कर सकते हैं। कार्यक्रम में मौजूद रहे सीओ सिविल लाइंस अनिल कुमार सिंह द्वारा कहा गया कि जिस क्षेत्र में बूथ संवेदनशील पाया जाता है तो ऐसे स्थानों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जाएगी और इस क्षेत्र के जो भी लोग बवाली टाइप के हैं तो उनकी सूची तैयार कर लें ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके। सभी हल्का लेखपाल अपने अपने कार्यक्षेत्र पर सूची बनाएं और जो लोग चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं ऐसे लोगों की सूची तैयार कर ली जाए ताकि उन पर कार्यवाही की जा सके। कार्यक्रम में मौजूद रहे उप जिला अधिकारी प्रशांत तिवारी द्वारा कहा गया कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्यक्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में मतदान प्रक्रिया को पूरी गुणवत्ता के साथ कराने का काम करें। जिला प्रशासन का सहयोग हमेशा अच्छे कार्य के लिए रहता है और पूरी ईमानदारी के साथ अपने बूथ स्थलों का ब्यौरा तैयार करके उन पर पूरी स्थिति बनाए रखें। कहीं कोई लापरवाही या कोई ऐसी सूचना मिलती है जिससे किसी को नुकसान हो तो उस बिंदु की सूचना तुरंत तहसील सदर पर अवगत कराने का काम करें। बूथ से संबंधित इस बैठक को लेकर सभी हल्का लेखपालों को निर्देश दिए गए। हमारे संवाददाता ने उप जिलाधिकारी सदर प्रशांत तिवारी से बात की तब उन्होंने बताया अभी अपडेट करने की कार्रवाई की जा रही है। चूंकि आज सभी क्षेत्र के अधिकारी यहाँ मौजूद थे, स्पेशली थाना प्रभारी भी मौजूद थे और एडिशनल एसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, लेखपालों के साथ बैठक करके आगामी जो विधानसभा है उसके चुनाव के मद्देनज़र जो है निर्वाचन की संवेदनशीलता, मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता के विषय में भी अतिरिक्त जो है कार्य किया गया है। सर, आज प्रार्थना पत्र किस समस्या से अधिक ज़्यादातर शिकायतें राजस्व विभाग की हैं, कुछ शिकायतें बिजली विभाग की हैं, उसके बाद पुलिस विभाग की हैं। तीन विभाग जो सबसे ज़्यादा हैं, इसके बाद नगर निगम और फिर कुछ जो है जिला कृषि अधिकारी से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सर, कुछ ऐसी शिकायतें नहीं है जो दोबारा आई? हाँ, कुछ शिकायतें ऐसी में रिपीटेड हैं, जैसे किसी ने किसी की मेड़ पहले नपत करा दी उसके बाद दोबारा उसने फिर तोड़ दिया है, ऐसी शिकायतें भी आई हैं। 5-6 शिकायतें भी ऐसी हैं जो रिपीट शिकायतें भी प्राप्त हुई।